माना जाता है बॉलीवुड में गॉडफादर का होना बहुत जरूरी है, और ये बात लागू होती है एक्टर इंदर कुमार पर, जिन पर पीआर और एक्स फादर इन लॉ राजू कारिया का हाथ रहा है। राजू कारिया बॉलीवुड के माने हुए पीआर माने जाते हैं, और इनकी बदौलत इंदर को कुछ फिल्में तो मिली। इन्होंने अपनी बेटी सोनल का हाथ भी इंदर के हाथों दिया, लेकिन ये साथ जल्द सेपरेशन में बदल गया। कहीं ना कहीं जो आवाज निकली है तो बट नेचर दोनों बच्चे थे, दोनों नादान थे और दोनों ईगो में रहे, पर आदमी का ईगो किसी न किसी दिन एक दिन भारी पड़ता है। आज मेरे बच्चों को भारी पड़ रहा है। मैं 2 साल से मैं अलग ही रह रहा हूँ। बच्ची को मतलब हर तरीके से आपसे छीन लिया जाए, हर तरीके से आपको कटआउट कर दिया जाए, और उसके बाद 2 साल बाद आपको बोला जाए आपकी बच्ची है, तो क्या है? मैं मतलब रास्ते में चलते हुए कोई भी बच्चा मेरे को बोलेगा कि मैं तुम मेरे पापा हो, तो मैं मतलब पापा हो गया। कहा जाता है कि इंदर कुमार की शादी टूटने का कारण इनकी 10 साल पुरानी एक्ट्रेस और गर्लफ्रेंड ईशा को भी कर रही है। दोनों एक अनरिलीज फिल्म एक था दिल एक की धड़कन की मेकिंग के दौरान करीब आए। इन्हीं कारणों की वजह से दोनों के बीच ब्रेकऑफ हुआ, लेकिन 10 साल पहले लगी प्यार की आग की तपिश कायम रही। इंदर आज भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ईशा और मेरा जो रिलेशन है वो एक पता नहीं इवन आई कांट इमेजिन किस तरीके का रिलेशन है क्योंकि जब भी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेफिनेटली वो मेरे लिए हैं, और अगर उनको प्रॉब्लम है तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। हम लोगों ने खुद ने एडमिट किया था अभी वो कपल, एंड यू आर इन लव आल्सो। जब हमने ईशा से इस बारे में बात करनी चाही तो इन्होंने हमें कुछ इस तरह का जवाब दिया। अगर कोई एक बात पूछे और उसको मैं एक्सप्लेन करूं वो चीज़, वो उसके बावजूद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार वही चीज़ मुझे बार बार अगर पूछे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ईशा इस बात को नहीं जानती कि इश्क और माशूक छुपाए नहीं छुपते। दोनों पार्टीज में साथ तो नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले टाउन के एक रेस्टोरेंट में शराब के नशे में काफी बहक भी गए थे। ईशा के प्यार में इंदर ने अपने गॉडफादर से पंगा तो ले लिया, अब देखना ये है कि ईशा से कितनी वफा कर पाएंगे।